सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए एपिसोड में। एंड गाइस, कल पता है लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी आपने अच्छा से देखा होगा, वहां पे हमने रोड टू मैक्स का एक एपिसोड बनाया था जहां पे मैंने कुछ फार्मिंग की थी, विजिट टावर को अपग्रेड लगाया था और ये भी बताया था कि इस अपग्रेड के बाद मैं थोड़ा गरीब भी हो गया हूं। बट सडनली कल शाम को मैंने क्या किया, एक घंटा बूस्ट किया, अपने सारे बैरक्स वगैरह बूस्ट किया और दबा के मैंने खेला क्लैश ऑफ क्लैंस। अब जो चीज़ हुई है मेरे साथ, ओ भाई भाई भाई, आई थिंक कि एक रिकॉर्ड सा सेट किया है हमने। मेरे नहीं ख्याल से किसी ने ऐसा किया भी होगा, अगर किसी ने किया भी है तो मेरे हिसाब से तो मेरे को नहीं पता। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किया क्या हमने, ठीक है। एक घंटा का बूस्ट हमने बहुत सारे टैक्स भी किए, बट कौन सी ऐसी चीज़ रही हमने अचीव की जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइज, अगर आप चैनल में नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक चैनल में गिव अवे चल रहा है जिसका रिजल्ट आपको 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे को मिलेगा, तो पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो फॉलो कर लेना। अब बताते हैं, सबसे पहले मुद्दे में आते हैं। ओके, अगर मैं आपको बैटल लॉग में दिखाऊं, यहाँ पे तो बैटल लॉग नहीं होता, यहाँ पे अटैक लॉग। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे, आप पहले मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ धीरे धीरे। फाइन फाइन ना, फाइन फाइन। अब आपको लग रहा होगा क्या है इंटरेस्टिंग, क्या है और अमेजिंग, क्या है और क्या ऐसा रिकॉर्ड है। अरे यार, राइट साइड देखो, जहाँ पे मैंने परसेंटेज देखो, हर अटैक 100%, 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
टाइम था वो मेरे लिए इतना लकी था, मैं कुछ भी कर रहा था वो 100% हो रहा था भाई, बहुत ही शानदार अटैक्स हुए। और ऐसा वैसा नहीं है, मैं आप देख सकते हैं मैं क्लियरली मैं टाइटन 2 में हूँ, मतलब टाइटन 2 में आपको कतई ऐसा नहीं बेस नहीं मिलता कि आप आराम से जाके उसको उड़ा दोगे। तो कुछ कुछ ऐसे बेसिस थे जो कि एक आधा बेस ऐसे मिल जाते हैं, जैसे कि मेरे को एक बहुत ही बड़ा लूट मिला था भाई, वो जो लूट मिला था वो तो मैं देख के दंग रह गया था। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिलियन गोल्ड, 8.5 लाख के आसपास एलिक्सिर था, 7,800 डार्क, और आपको पता है कि मेरा लूट बोनस क्या है। मेरे को अमेजिंग लगा ये अटैक, मैंने तुरंत इसके ऊपर अटैक किया, बट ये बेस जो था वो थोड़ा सा डेड बेस था, तो ये मेरे को बहुत अच्छा एडवांटेज मिला। आप देख सकते हैं TS-12 है, और आराम से इसको 3 स्टार किया। इसने ईगल भी अपग्रेड पे लगाया था, तो ईगल भी काम नहीं कर रहा था, इन्फर्नो टावर्स भी आउट ऑफ एमओ थे, एक्सबोज भी आउट ऑफ एमओ थे, एक शायद एक्सबो फायर कर रहा था बट मेरे को याद नहीं, हाँ ये वाला एक्सबो फायर कर रहा था ये वाला। तो बहुत सही लूट, मैं तो आंखें चौंधी आ गई थी देख के, लूट भाई इतना लूट। ओके सो इस बेस को तो हमने इजीली 3 स्टार किया, बट बाकी जितने भी बेस थे, कुछ बेस ऐसे भी थे जो TS-12 थे, TS-12 मैक्स थे, मैक्स नियर्स टू मैक्स। अब टाइटन लीग में प्लेयर्स अच्छे होते हैं, बट फिर भी आजकल ट्रेंड ये है कि बहुत सारे TH-11 भी पुश करते थे, कुछ TH-11s भी मिले थे। सो मिला जुला के मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि जितने भी मेरे पास बेस आए सबको हमने 3 स्टार किया, क्लैन गेम्स भी चल रहा है, क्लैन गेम्स के पॉइंट्स भी मैं कर रहा था, सो बहुत मजा आ गया। तो ये एक अटैक रहा था जो कि बहुत ही हेवी लूट था, और आप देख सकते हैं, आप देखिए कि क्वीन चार्ज माइनर्स डेड बेस कोई भी टाउन हॉल हो 10, 11, 12 डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे भी सेम केस हुआ, मेरे माइनर्स जो थे ओवर पावर्ड कर रहे थे इस बेस को, बहुत सारे बल्क में मैंने माइनर्स ड्रॉप करे थे, और क्वीन को टारगेट करने के लिए कोई नहीं था, ना सिंगल इन्फर्नो, ना आर्टिलरी, ना कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक थ्रेड जो था छोटा सा वो विजिट टार से, बम टार से, एंड उसी के साथ जो टाउन हॉल खुद था, लेवल 4 टाउन हॉल था, गीगा टेस्ला भी नहीं था, तो चारों तरफ से मेरी विन-विन सिचुएशन थी। तो आराम से इस बेस को मैंने 3 स्टार किया, और क्रेजी लूट, सबसे पहले मैं यही मेंशन करूंगा, क्रेजी लूट मेरे को यहाँ पे मिला। सो गाइज अभी सीन ये है कि गोल्ड मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं कुछ अपग्रेड कर सकूँ, बट कुछ चीज़ें मैंने प्लान करी है, जैसे कि माइंस, आपको पता होगा जो वो काले वाले माइंस होते हैं उनको अपग्रेड्स करना है, क्योंकि अभी फिलहाल जैसे कि मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, विजिट टावर जैसे मैंने अपग्रेड डाला सारे अपग्रेड्स हो चुके हैं, अब सिर्फ आर्चर टावर्स, कैनन्स एंड मोटार्स बचे हैं, एक एक लेवल, सारे के सारे एक एक लेवल्स बचे हैं। तो मैंने जो शेड्यूल किया है कि आने वाले 2 महीने के अंदर मैं सारे अपग्रेड्स फिनिश करूंगा, डिफेंस अपग्रेड फिनिश करूंगा, उसके बाद और किंग को भी मेरे को मैक्स करना है 2 महीने के अंदर, और उसके बाद मैं चला जाऊंगा डायरेक्ट गोल्ड या फिर क्रिस्टल लीग, और मैं वही लीग मेंटेन करूंगा, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा मैं गोल्ड और एलिक्सिर फार्म करूंगा, जितना ज्यादा मैं गोल्ड और एलिक्सिर फार्म कर सकूंगा वहां पे उतने जल्दी मैं वॉल्स को जो है अपग्रेड करूंगा। बट अगर टाइटन में ऐसा लूट मेंटेन कर सकूं मैं, तो हु नोज कि मैं टाइटन में रह जाऊं और डार्क ट्रूप्स के साथ अटैक करूं, क्योंकि जैसे मेरा किंग जो है वो मैक्स हो जाएगा उसके बाद मेरे को डार्क एलिक्सिर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारा डार्क एलिक्सिर पड़ा है, और अभी मैं वॉर चल रही है, अभी वॉर बैटल डे शुरू नहीं हुआ है, बट वॉर के बाद मैं अपना किंग को है अपग्रेड पर डालूंगा। अब गाइज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मैं 2 अटैक्स करूंगा, 2-3 अटैक्स करने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मेरा एम है कि मैं एक माइन अपग्रेड करूं, एक माइन तो मैं वैसे भी अपग्रेड कर सकता हूँ मेरे पास इनफ गोल्ड है, बट उसी के साथ कुछ कलेक्टर्स भी हैं हमारे जो अपग्रेड करने पड़ेंगे। वैसे और कुछ अभी मैं खासा कर नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अपग्रेड जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, एलिक्सिर का कोई काम नहीं है सिवाय कि लैब के कुछ अपग्रेड्स के। तो लेट्स गो, लेट्स डीप इन द अटैक, और
देखते हैं कैसा बेस मिलता है। और वही प्रॉब्लम आपको पता होगा, क्लाउडिंग, क्योंकि टाइटन 2 में हूं तो थोड़ी क्लाउडिंग होती है, बट ये जो टाइम होता है मेरे ख्याल से इस टाइम में ज्यादा क्लाउडिंग नहीं होता। सबसे ज्यादा क्लाउडिंग मैं फेस करता हूं इंडियन टाइम के शाम को, मतलब 6-7 से शुरू करके 10-11 बजे तक, ये टाइम सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से क्लाउडिंग होती है। तो अभी थोड़ी क्लाउडिंग तो होगी, वैसे ऐसी भी नहीं है कि एकदम नहीं होगी, तो जैसे ये क्लाउड हट जाते हैं वैसे मैं वापस आता हूं अटैक करेंगे। गाइज माफी चाहूंगा, लास्ट वाला जो अटैक मैंने किया था, पता नहीं अनफॉर्चुनेटली मैंने रिकॉर्ड बटन प्रेस नहीं किया था, मतलब किया तो था बट हुआ नहीं, या फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, सो वो अटैक रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट ये वाला अटैक मैं फिर से एक बेस मैंने ढूंढ लिया है, और ये रहा बेस, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बेस है, लूट भी डिसेंट है, विद बोनस मेरे को बहुत अच्छा लूट मिलेगा। तो चलिए अटैकिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा बेस को रीड करने का तो टाइम मिला नहीं मेरे को, तो अटैक करना पड़ेगा वरना टाइम भी वेस्ट हो रहा है। यहाँ से मैंने रैंडमली कर दिया एक भी कॉर्नर से, इतना ज़्यादा मैंने बेस को रीड नहीं किया, कोई ज़्यादा दिक्कत तो हो नहीं सकती क्योंकि बेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना ज़्यादा अपग्रेडेड बेस नहीं है। ओके सो क्वीन वॉक स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से, और आई थिंक कि मेरे को एक लेयर भेजना चाहिए ऑफ वॉल ब्रेकर्स। यहाँ पे एक सिंगल इन्फर्नो है जो थोड़ा थ्रेड दे सकता है, बट मेरे पास फ्रीज पेल है तो आई विल फ्रीज द इन्फर्नो ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को फेस ना करना पड़े। ओके लेट्स फ्रीज इट। ओके फाइन, सो फ्रीज तो कर दिया हमने, और क्वीन जो है वो आगे बढ़ रही है। ओके फाइन, ओके एक फ्रीज और करना पड़ेगा क्योंकि क्वीन थोड़ी अटक सी गई है, बट ओके नाइस नाइस। ओके इन्फर्नो के ऊपर लॉक्ड है क्वीन, और इन्फर्नो को निकाल दिया है क्वीन ने, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अटैक पे। तो चलिए यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन और ड्रॉप करेंगे, और सीज मशीन यहाँ, और किंग को एज अ सपोर्ट भी मैं डालूंगा यहाँ पे। ओके चलो सही चल रहा है। ओके तो यहाँ पे ईगल आर्टिलरी एक्टिवेट हो गया, बट मेरे ख्याल से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा ईगल आर्टिलरी क्योंकि क्वीन की हेल्थ जो है वो फुल है। वार्डन भी है फॉर द सपोर्ट, अगर मेरे को ज़रूरत पड़े तो मैं वार्डन की एबिलिटी टैप कर दूंगा अगर क्वीन की हेल्थ ज़्यादा कम हो तो। अभी तो फिलहाल सब कुछ सही चल रहा है, एक अच्छा फनल क्रिएट हो गया। अब सारे जो मेरे माइनर्स है वो डीप पुश करेंगे बेस के अंदर, और आई डोंट थिंक कि ज़्यादा प्रॉब्लम हमें यहाँ पे फेस करने को मिलेगा। एक हील यहाँ पे करते हैं क्योंकि बम टार है, विजर टार भी था, उसी के साथ ईगल आर्टिलरी का स्प्लैश डैमेज भी चल रहा है, तो होप कि एक अच्छा यहाँ पे वैल्यू मिलेगी मेरे को। यहाँ पे एक हील और, ओके भाई क्या क्या भयंकर डैमेज हो रहा है कोर में। ओके तो चलो यहाँ पे एक काम करेंगे, वार्डन की एबिलिटी टैप करते हैं, हील भी मैंने किया था, आई थिंक कि मेरे को वार्डन की एबिलिटी थोड़ी होल्ड कर लेनी चाहिए थी क्योंकि ऑलरेडी हील मैंने कर रखा था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आराम से इस बेस को क्रश कर देंगे। और कुछ है मेरे पास मिनियंस वगैरह क्लीनअप के लिए, मैं डालता हूँ, कहाँ डालूँ? ओके चलो कहाँ डालें भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ डालें। ओके चलो क्वीन की एबिलिटी भी पॉपअप कर देते हैं, वैसे मैं चाह रहा था कि क्वीन की एबिलिटी पॉपअप करके मैं ईगल आर्टिलरी को टेक डाउन करूँ, बट जब तक कि मैं करता उससे पहले ईगल आर्टिलरी जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे पॉइजन कर देते हैं स्केलेटन, एयर स्केलेटन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं मेरे हीलर्स के लिए। आई डोंट थिंक कि ये अटैक अब रोक सकता है, ये बेस डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा डिफेंस जो है वो खत्म हो चुका है, सिर्फ 2-3 डिफेंस बचे हैं, माइनर्स के अमाउंट बहुत सारे हैं बेस में घूम रहे हैं, सो आराम से ये बेस क्लियर हो गया। सो गाइस ये वाला अटैक मैं खासा प्रेफर करूंगा सभी को, बहुत सही अटैक है, और इस अटैक में मैं बहुत ही कम, मेरे को रेयरली फेलियर्स देखने को मिलता है। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो एटलीस्ट 2 स्टार्स तो आप निकाल ही दोगे, लूट अगर रहता है तो वो भी निकल जाता है, मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपका अटैक जो है वो फेल हो। सो एक और 3 स्टार हमें देखने को मिला, मेरा डार्क लिक्विड फुल हो गया, तो इसके ऊपर मेरे को कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक कि मेरे को अब डार्क ट्रूप्स यूज़ कर लेने चाहिए क्योंकि मैं वॉर में भी हूँ, और वॉर में हूँ तो मेरे को अटैक करना पड़ेगा वॉर में। ओके उसके लिए बाद में सोचेंगे, अभी के लिए फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये वाली आर्मी फिर से मैं ट्रेन कर दूंगा, एक अटैक और करेंगे फाइनल। गोल्ड मेरा बहुत सारा हो गया है तो गोल्ड का भी कुछ सोचना पड़ेगा। और ओके सो एक चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं गाइज, मेरे पास, मैंने बाद में नोटिस किया कि मेरे पास 2 स्केलेटन ट्रैप हैं जो कि अनअपग्रेडेड हैं, तो इन दोनों को मैं अपग्रेड करूंगा और मेरे को लगेंगे 40 लाख, तो ज़्यादा नहीं होते, 2 बिल्डर्स भी फ्री हैं, 40 लाख ओके गुड डील, तो कर देंगे। उससे पहले एक वॉल भी पीस भी अपग्रेड करूंगा क्योंकि आपको दिख रहा होगा मेरे पास काफ़ी सारा एलिक्सिर हो गया है, तो उसके बारे में भी कुछ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जायंट रिक्वेस्ट कर दिया, जैसे मेरा किंग रेडी हो जाता है वैसे मैं वापस आता हूँ, फाइनल अटैक करेंगे, उसके बाद अपग्रेड करेंगे 2 स्केलेटन ट्रैप का अपग्रेड करना है, इससे ज़्यादा कुछ अपग्रेड नहीं करना है खासा। सो गाइस बहुत सही चल रहा है जो हमारा ये बेस है, ये वाला जो अकाउंट है वो बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहा है। और आपको पता है, मैंने बताया भी था आपको पहले भी वीडियोस में, कि जैसे मेरे सारे डिफेंस मैक्स हो जाएंगे, ट्रैप्स मैक्स हो जाएंगे, उसके बाद मैं वॉल्स के पीछे पड़ने वाला हूँ, और वॉल्स को सारे लाइटनिंग ब्लू जो है, जो नए लेवल के वॉल्स आए हैं, आई थिंक कि 200 अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग। तो एज सून एज पॉसिबल कि मेरे सब चीज़ हो जाए, मैं वॉल्स के पीछे पड़ूंगा, पहले सारे वॉल्स को जो है लेवल 12 के करने हैं, वो जो वाइट वॉल्स हैं उसे करना पड़ेगा, उसके बाद लेवल 13 के जो ब्लू वॉल्स हैं उन्हें अपग्रेड करूंगा। तो मेरे को पता यार ये इतना ईजा नहीं है, एक एक वॉल पीस का जो प्राइस है आई थिंक 40 लाख है लेवल 12 के, उसके बाद 50 लाख, तो ये कतई ईजी नहीं, मजाक नहीं है कि मैंने बोल दिया मतलब ऐसे हो जाएगा, बट मैं कोशिश करूंगा, मैं ज़्यादा पुश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्स अपग्रेड कर सकूं। जैसे मेरे को सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है मैं तुरंत आता हूँ, फाइनल अटैक करेंगे।
गाइज फाइनल अटैक। अब देखिए यहाँ पर डार्क एलिक्सिर की भरमार है बट मेरे पास स्टोरेज ही नहीं है डार्क एलिक्सिर को रखने का। बट एक होता ना कि अंदर से कीड़ा काटता है, डार्क एलिक्सिर जब भी देखो उसके ऊपर अटैक करो। तो फाइनली वही चीज करने वाले हम लोग, इस बेस के ऊपर अटैक करेंगे। मेरे को पता है पूरा डार्क मेरा वेस्ट होगा, 7000 प्लस 2000 बोनस, टोटल 9000 डार्क एलिक्सिर लिटरली मैं वेस्ट करने वाला हूँ इस अटैक में। बट फिर भी मतलब कीड़ा काट रहा है मेरे को खुजली वाला, तो आई हैव टू अटैक दिस बेस। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप करूंगा मैं अपनी क्वीन, यहाँ पे अपने हीलर्स, यहाँ पे अपना वार्डन। आई डोंट थिंक कि थ्री स्टार, पता नहीं यार हो भी सकता है, हु नोज। तो यहाँ पे वॉल ओपन करते हैं। ओके वॉल ओपन हो चुका है, क्वीन मे बी टारगेट ले एयर डिफेंस को। अगर एयर डिफेंस को टारगेट नहीं लगी तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा मेरे को। ओके चलो एक एयर डिफेंस, एक हीलर तो गया मेरा, अब देखते हैं। ओके सो निकाल दिया, बहुत सही। तो अब एक रेज बनता है यहाँ पे। ओ यार दो हीलर्स गए, ओके तो थोड़ा ट्रिकी हो रहा है मेरी क्वीन वॉक। ओ भाई ओ नो 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 नो, हीलर्स क्वीन को हील करो ना कि वार्डन को। ओके तो चलो फाइनली वार्डन को हील कर रहे हैं, सॉरी क्वीन को हील कर रहे हैं। चलो यहाँ पे अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे किंग को ड्रॉप करूँगा ताकि थोड़ा फनल क्रिएट कर दे, और यहाँ पे सीज मशीन ड्रॉप करूँगा। मेरे को पता है जो चीज़ें की और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि अब मैं और रेज यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को एक रेज सेव करना पड़ेगा कोर के लिए। तो यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी जो है वो टैप कर देते हैं, यहाँ पे थोड़े से माइनर्स ड्रॉप करते हैं, फाइनली सेंटर में बाकी सारे माइनर, सेंटर मतलब नाम का सेंटर। चलो अब कोशिश करते हैं सेंटर में कुछ माइनर्स डालने की। ओके सो फर्स्ट हील यहाँ पे, एक फ्रीज यहाँ पे, ओके फाइन। ओके तो एक रेज यहाँ पे यूज़ करते हैं, गुड। अब पता नहीं कि मैंने गुड तो बोल दिया बट सच में गुड या बैड मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ओके चलो एक फ्रीज यहाँ पे, टाउन हॉल भी थोड़ा फ्रीज हो जाएगा, वेरी नाइस। ओके वी आर गोइंग गुड गाइज, वी आर गोइंग गुड, एक्चुअली ग्रेट मेरे को लग रहा है। ओके तो यहाँ पे एक हील और, क्योंकि यहाँ पे बहुत, ओ भाई मतलब काम तमाम। फाइनली बलून्स निकले सीसी से, और बलून्स क्या करते हैं आपको पता है, दे जस्ट रैम्पेज, मतलब कुछ बचेगा नहीं, मुश्किल है। ओके ओ भाई सारे बलून्स डाउन एक पॉइजन की मदद से, वेरी नाइस। अब मेरे को उम्मीद की किरण दिख रही है। ओके किरण बुझ गई क्योंकि क्वीन ऑलमोस्ट गॉन। ओके गॉन। ओके बट एक चीज़ अच्छी बात हुई कि मेरे सारे जो हीलर्स हैं वो माइनर्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा कुछ डिफेंस बचा है जो अब रोक सकता है क्योंकि माइनर्स के ऊपर हीलर शिफ्ट हो चुके हैं। सो भाई बहुत सही गया अटैक। मेरे को पता है कि इस बार मैं थोड़ा फंबल किया मैंने कमेंट्री में बहुत ज़्यादा, क्योंकि पास में मेरे यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं और थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है मेरे को। आपको पता होता है कि कोई अजनबी जब आता है और आप वीडियो बनाते हो तो कैसा अजीब फीलिंग आता है, तो वैसे मेरे साथ हो रहा है अभी। बट कोई बात नहीं गाइज, फाइनली इस बेस को हमने 3 स्टार किया और हमारा जो स्ट्रीक है वो चले जा रहा है, और बहुत सारा डार्क वेस्ट हुआ गाइज, लिटरली 7000 एंड 2000 मोर, मतलब ऑलमोस्ट 9000 डार्क एलिक्सिर मेरे वेस्ट हुए। कोई बात नहीं, ऐसा तो होते रहता है। तो फाइनली हमने सारे टैक्स कंप्लीट किए, बहुत सारा बोनस भी मिला मेरे को। आई थिंक मेरे को बोनस को रिसीव कर लेना चाहिए वैसे। ओके चलो सबसे पहले अपग्रेड्स करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, तो एक काम करते हैं, एक माइन को अपग्रेड पे डालते हैं एंड एक स्केलेटन ट्रैप को। अरे गलती कर दी मैंने, मेरे को पहले सोचना चाहिए था। मैंने सोचा था कि एक दो पीस वॉल्स को अपग्रेड कर लूँ, क्योंकि अभी एक दिन 21 घंटे मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन बाद मेरे बिल्डर फ्री होगा। यार मेरा एलिक्सिर भी फुल हो जाएगा। अब मैं डार्क एलिक्सिर से फार्मिंग करता हूँ तो मेरा एलिक्सिर फुल हो जाएगा, एलिक्सिर से फार्मिंग करता हूँ तो डार्क एलिक्सिर फुल हो जाएगा, तो दोनों तरफ से मेरे को मुश्किल आता आने वाली है, पता नहीं। बट जो भी है गाइस, बहुत मजा आया आज के वाले वीडियो में। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर लगा तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फर्स्ट टाइम हो चैनल पे, और एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर आपको बताना कि आपको कैसा लगा कि इतने सारे बैक टू बैक में बैटल्स जीते जा रहा हूँ मल्टीप्लेयर में, और पता नहीं ये जो विनिंग स्ट्रीक है कितनी लंबी चलने वाली है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें, एंड एज यूजुअल गाइज जय हिंद।